अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है सब भाइयों का। उम्मीद है कि सब भाई ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों, हमने नहाइए शाइए कर ली हैं। और बारिश तो नहीं आई, हमने मसनूई बारिश कर दी है। ये सारे परिंदों को ना पानी वगैरह छिड़क दिया है और ये हर तरफ ठंडी ठंड हो गई है। दोस्तों, गर्मी जो है वो एकदम से ज़्यादा हो जाती है, कभी बारिश वाला मौसम हो जाता है, कभी फिर से गर्मी हो जाती है। रात को जो है वो ठंड होती है, दिन में अच्छी खासी गर्मी हो जाती है। तो इसलिए हमने थोड़ा सा पानी वगैरह छिड़क दिया है और आज हम बनाने वाले हैं सॉफ्ट फूड। मैंने ऐसा कब कहा था? तो दोस्तों, जुमे की तैयारी वगैरह भी करनी है, तो देर भी हो रही है, तो जल्दी जल्दी से हमने पानी वगैरह इन सारों को डाल दिया है। तो अब हम जुमा वगैरह पढ़ेंगे, उसके बाद दोस्तों हम आज ब्रीडिंग के लिए बहुत अच्छी सी टिप्स ले आ रहे हैं। बहुत अच्छा फार्मूला आपको बताएंगे, जिससे जो है आपके परिंदे जो जोड़े आपके लगे हुए हैं वो अगर ब्रीडिंग वगैरह नहीं कर रहे हैं, वो बिल्कुल ठंडे पड़े हुए हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा सा फार्मूला आपको बता रहे हैं। तो आप वो चीज़ इस्तेमाल कीजिएगा तो परिंदे जो उनसे हैं बच्चों के ना ढेर लगा देंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। म्यूजिक म्यूजिक भी चलाया हुआ है और जो है ना एंजॉय टाइम आज चल रहा है। मौसम जो है ना काफी जबरदस्त हुआ हुआ है, बादल आए हुए हैं और हम बना रहे हैं छलिए। आरी मिलेगी काटने के लिए। दोस्तों, इनको छिलकर समेत ही ना हम थोड़ा सा सेक ले लेंगे और उसके बाद फिर जब ये थोड़ा सा हो जाएंगी ना, फिर उसके बाद इसको तो आज जो है ना हम सॉफ्ट फूड में जितने भी बर्ड्स हैं उन सबको हम देने वाले हैं। इसमें है पालक है और जो फलियां होती हैं रवां की फलियां या जिनको आप सब्ज़ी वाली दुकान से जो फलियां मिलती हैं वो भी आपने बारीक काट लेनी है, वो भी डाल लेनी है, गाजर डाल लेनी है। और दोस्तों, छली को ना आपने बारीक कद्दूकश कर लेना है, कद्दूकश के साथ जो आपके घर में इस तरह का अगर होगा ना तो उसके साथ आपने कर लेना है। गाजर को भी आपने इसके साथ कर लेना है कद्दूकश, तो वो करके तो आपने आपस में मिक्स कर लेनी है। तो दोस्तों, अगर आपके परिंदे जो हैं अच्छी ब्रीड नहीं कर रहे हैं या जोड़े लगे हुए हैं तो वो बॉक्स में नहीं जा रहे हैं या ब्रीड नहीं कर रहे हैं, तो असल में वो अभी तक हीट पर नहीं आए, तो उनको हीट में लाने के लिए आप इस्तेमाल करेंगे या जैतून का तेल इस्तेमाल कर लें या ये गरी का तेल इस्तेमाल कर लें। तो गरी का तेल जो उनसा है वो आपको थोड़ा सा सस्ता पड़ जाएगा, ये थोड़ा सा महंगा पड़ेगा। आप उसके अलावा एवियन का कैप्सूल और फिश ऑयल वगैरह भी इस्तेमाल करेंगे कर सकते हैं, लेकिन वो ना थोड़ा सा ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। तो आप बेस्ट ये है कि जो गरी का तेल आप इस्तेमाल कर लें, क्योंकि ये सस्ता भी पड़ जाता है। ये मुझे तकरीबन 850 रुपये का डिब्बा मिला है ये पूरा, तो इसमें 600 ग्राम है ऑयल, तो 680 ग्राम है। तो आप ये वाला ऑयल इस्तेमाल कर लें। आपने थोड़ा सा बस जब भी आपने सॉफ्ट फूड डालनी है ना तो उसमें थोड़ा सा आपने गरी का ऑयल इस्तेमाल कर देना है, या आपके पास ये वाला जैतून का तेल है तो वो आपने इस्तेमाल कर देना है। तो आपके बर्ड जो हैं माशाल्लाह से बहुत अच्छी ब्रीड करेंगे। तो आप ये एक दफ़ा ट्राई करके देखिएगा ये या ये, तो फिर उसका रिज़ल्ट चेक कीजिएगा क्या निकलता है। तो दोस्तों, चूहे को जो है हमने मार दिया है। इस चूहे ने ना आत मचाई हुई थी घर में, जो इसने कोई चीज़ नहीं छोड़ी हुई थी, जितनी भी खुराक वगैरह पड़ी हुई थी ना हमारी अंदर, इसने उनमें से खुराक में से सनफ्लावर के सीड्स वगैरह सारे उठा उठा कर ले जाता था और बाजरा अकेला जो है वो हमारे बर्ड्स के लिए छोड़ देता था।
तो अपनी पसंद की चीज है ये जो सी ना पहले गायब करता था। आखिरकार ये खिड़की में आ चुका है और हमने इसको जो है जहन्नुम वासल कर दिया। पकड़ मेरे को जानता नहीं है ये। तो दोस्तों ये चूहे से आपने अपने शेड को बहुत ज़्यादा बचाना होता है क्योंकि ये बहुत सारी बीमारियां ले आता है और फिर वो बीमारियां जो उनसी हैं आपके बर्ड्स के लिए वो ख़तरनाक साबित होती हैं। तो इसमें जब रात होती थी ना तो ये बर्ड्स को डरा भी देता होता है रात को जो है ये बर्ड को डराता है जब, तो बर्ड जो है अपने जब बॉक्सेस वगैरह में बैठे हुए होते हैं तो वो एकदम से जब डरते हैं तो वो सारे बर्ड्स ही डर जाते हैं। तो वो बॉक्सेस में अंडों के ऊपर वो फिर नहीं देखते हो क्या चीज़ है, वो अंडों को भी तोड़ तोड़ देते हैं। तो इसलिए आपने चूहे से जो है अपने शेड को बिल्कुल महफूज करना होता है लाजमी तौर पे। अच्छा हुआ तुझे मेरी असलियत के बारे में पता चल गया, मैं आज रात को तेरी ही बलि देने वाली थी। आपको दोस्तों एक पेयर से ज्यादा अंडे लेने का तरीका बताएंगे कि जैसे मेरे पास ये एक कॉमन लेटिनो का पेयर है आप देख रहे होगे, तो मैं इससे अब तक जो है वो 12 अंडे ले चुका हूँ। 12 अंडे इस सीजन में, 12 अंडे वो भी फर्टाइल अब तक इससे मैं ले चुका हूँ। तो आपको आने वाले व्लॉग में बताएंगे कि आप एक बर्ड से ज़्यादा अंडे कैसे ले सकते हो, तो आपने कौन सा ट्रिक ऐसा लगानी होती है कि जिससे जो है आपके बर्ड वो एक आप पेयर से ही ज़्यादा अंडे लेते हो और बाकी सारे फॉस्टर पेयर के नीचे रखते हो। तो इससे हमने अंडे ले लिए हैं तो हम आपको बताएंगे कि उसको हमने कैसे लिए हैं, क्या क्या इसको दिया है, कैसे कैसे इसने अंडे दिए हैं, तो उनको हम आगे क्या क्या किया है तो वो आपको आने वाले व्लॉग में बताएंगे। तो दोस्तों तो हमारे ये सारे जो हमारे पास पुराने पेयर थे जो हमारे उन सब ने ब्रीड किया है, जैसे ये वाले पुराने पेयर थे, एक ये वाला पुराना पेयर है, एक ये वाला पुराना पेयर है, तो जो जो हमारे पुराने पेयर थे उन सब ने ही ब्रीड की है। पैसा ही पैसा होगा। तो जैसे हमारे पास दोस्तों कॉकटेल्स के जितने भी पुराने पेयर हैं सब ने ही ब्रीड किया है, ये देखें सारे ये केजेस वगैरह खाली हैं। तो ये सारे जो बर्ड्स हैं अपने अपने बॉक्सेस में हैं, ये वाले सारे इनके सिर्फ मेल बाहर बैठे हुए हैं, बाकी सारी फीमेल जो हैं वो केजेस के वो अपने बॉक्सेस के अंदर हैं। तो दोस्तों अच्छी ब्रीड लेने के लिए, ज़्यादा ब्रीड लेने के लिए आपको आज चीज़ बताई है आपने, वो चीज़ लाजमी इस्तेमाल करनी है। तो आप फिर बताइएगा कि उसका रिज़ल्ट आपको कैसा मिलता है। तो दोस्तों व्लॉग का करेंगे यहाँ पर एंड, वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है तो आप भी बोर हो गए होंगे। तो आपको आने वाले दिनों में काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो है वो देते रहेंगे आहिस्ता आहिस्ता। आपकी सोच मेरे इरादों की इमारत को हिला नहीं सकती। दोस्तों अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।